बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ तवा कलेजी की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। ये है इसके तमाम इंग्रेडिएंट्स। तवा ले लें, इसमें घी डाल दें। अब इसको मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लें। इसमें चॉप अनियन डाल दें और इसको गोल्डन होने तक आहिस्ता आहिस्ता पकाएं। जब प्याज हल्की गोल्डन हो जाए तो इसमें अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट शामिल कर लें। अब इसको अच्छी तरह भून लें ताकि अदरक लहसुन की हीट निकल जाए। अब इसमें धुली हुई कलेजी डाल दें और इसको 10 मिनट तक भूनें ताकि कलेजी की हीट ख़त्म हो जाए। अब इसमें भुना हुआ कुटा हुआ जीरा, कुटा हुआ साबुत धनिया, कुटी लाल मिर्च, पिसा हुआ गरम मसाला, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, ये तमाम मसाले मिक्स कर लें। दही शामिल कर लें और कलेजी मसालों को मिक्स कर लें। अब इसमें अजवाइन डाल दें। अब इसको कवर करके 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दें। कलेजी गलने के बाद इसमें नमक और लेमन जूस दोनों चीज़ों को अच्छी तरह कलेजी में मिक्स कर लें। मज़ीद 5 मिनट के लिए दम पर रख दें। अब इसको डिश में निकाल लें। अब इसको लेमन स्लाइस जूलियन अदरक के साथ सर्व करें। आपकी तवा कलेजी सर्व करने के लिए तैयार है।